आज जो भी आपके पास पीडीएफ और सिलेबस से रिलेटेड फाइल्स गई हैं उनको थोड़ा अध्ययन करना, जीरोक्स निकाल के अपने पास रख लेना। आप मेरी आवाज क्लियर सुन पा रहे हैं? बहुत अच्छा। आज हमारी पहले 1.5 घंटे क्लास चलेगी, उसके बाद आखिरी घंटे में डॉक्टर मंजुनाथ जी आज आपको योगा और एनाटॉमी, व्हाट इज द कॉम्बिनेशन बिटवीन बोथ योगा पोस्चर्स एंड एनाटॉमिकली एंड फिजियोलॉजिकली बोथ थिंग्स, आज वो आपको बताएंगे। उससे पहले हम करेंगे हिप ओपनिंग और योगा फॉर बैलेंस। बैलेंस है ना आज, तो स्प्लिट की प्रैक्टिस करेंगे हम, अच्छी वाली, फ्रंट स्प्लिट, साइड स्प्लिट, स्टैंड स्प्लिट। स्टैंडिंग में बैलेंस भी आएगी और स्प्लिट भी आएगी, दोनों आएंगे, तो हम दोनों आज मिक्स करेंगे। फोकस होगा लेकिन लोअर बॉडी पे, हिप ओपनिंग जॉइंट्स जिसको बोलते हैं, पेल्विक रीजन, फ्लेक्सिबिलिटी। तो अभी आप रेडी हो जाइए, अपने अपनी जगह पे पीछे चले जाएंगे थोड़ा सा, जो मुझे अच्छी तरह दिखे। पहले हम वार्म अप करेंगे, सिंपल बेसिक से वार्म अप स्टार्ट करेंगे। दोनों पैर आगे खोलिए, दोनों हाथ उठाइए, दो दो बार राइट लेफ्ट में जाएंगे। फर्स्ट गो राइट बैक, गो डाउन, वेरी गुड, जेंटल जेंटल चेंज, लेफ्ट स्लो स्लो कंटिन्यू, गुड, कम बैक, बेंड योर नी, हैंड्स बैक, टर्न लेफ्ट राइट, टच, दोनों घुटने नीचे टच करने और कमर को आगे से ऐसे खींचना है, ध्यान रखना। फिर चेंज, अपोजिट देखो, सीधी तरफ देखो अगर उल्टी तरफ जा रहे हो तो, करते रहिए। कंटिन्यू, सेंटर, ओपन योर नी, बेंड फॉरवर्ड, फीट गैप, बेंड फॉरवर्ड, गैप बिटवीन योर फीट, एल्बो डाउन एंड अप एंड डाउन नी, गैप बिटवीन योर फीट, वन सर देखो मेरा गैप कितना है फीट में, ये गैप रखना। तो
हाथ उठाएंगे, सीधी तरफ जाइए, कमर एकदम सीधी तरफ, साइड बेंडिंग करो, बेंड जितना हो सकते, उल्टा हिप और घुटना मत उठाना, चेंज तीन तीन बार करेंगे, पांच पांच सेकंड रुकेंगे, वेरी गुड, स्लो स्लो, जेंटल जेंटल, बेंड फॉरवर्ड अगेन, रिलैक्स, जस्ट 10 सेकंड के लिए मैं प्लेस चेंज कर रहा हूं, अब हम बटरफ्लाई करेंगे, जिनके पास ब्लॉक है वो ब्लॉक रख लीजिए अपने साइड में अपने पास, कंटिन्यू, स्लो स्लो, झटका नहीं मारना, ध्यान रखना कमर एकदम सीधी रहेगी आपकी, ठीक है, हाथ ऐसे पीछे भी रख सकते हो, जिसके घुटने जल्दी से टच हो जाते हैं वो ब्लॉक नीचे लगा लीजिए, आराम आराम से धीरे 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 धीरे, अब एड़ियों को जितना हो सके क्लोज लेके आओ अपने पेल्विक रीजन के, जितना भी क्लोज से क्लोज टच भी हो तो भी अच्छा है, जितना टच हो, अब ब्लॉक लीजिए और फीट के ऊपर रखो और कोनी रखो ऐसे, जैसे आपकी मैक्सिमम पोजीशन आपको फील होती है ऐसे ही वहां स्विंग करो, हिप्स आगे रहेंगे, एड़ियां बिल्कुल नजदीक में रहेंगे पेल्विक रीजन, नाउ नो मूवमेंट नो शेकिंग, अब सीधा आगे जाए,
बहुत धीरे धीरे ध्यान रखना, जितना जिस पे जाया जाता है अपनी मैक्सिमम स्टेज सुखपूर्वक आरामदायक बहुत धीरे धीरे। नो शेकिंग वंसज, मैंने बोला शेक नहीं करना। देखो जैसे यहां किया, अब ये पूरा ये बेंड करना है, कोई मूवमेंट नहीं देनी शेकिंग में। अब मैक्सिमम देखता हूं किसका माथा लगता है, लेकिन एडियां आगे नहीं खिसकनी है, एडियां और पेल्विक रीजन टच रहेगा। वेरी गुड, कोशिश करूंगा आज हिप ओपनिंग में कुछ आपको नया कराऊं और डीप में कराऊं, जो लास्ट क्लासेस गई हैं उनसे कुछ और डीप में होगा। जिसको जितने एडवांस में जाना है उतने एडवांस में जाइए, जिसको जितना करना है उतना कीजिए। देखो आप यहाँ ऑनलाइन बैठे हुए हैं मेरे साथ, कोई हड्डी खिसक गई, कोई ज्यादा स्ट्रेचिंग कर ली, ओवर स्ट्रेच कर लिया, तो आप जिम्मेवार होंगे। आप मेरे साथ बैठे होके करते तो मैं एडजस्ट भी कर सकता था और आपको गाइड भी बेटर कर सकता था। तो यहाँ पे अननेसेसरी ओवर स्ट्रेच मत करना जो बिगनर हो, ये ध्यान रखना। अपने अनुसार लेके चलना है जितना भी हो सके। सुखपूर्वक जितना भी सुखपूर्वक हो सके इतना करना। सीधा पैर बाहर खोल दीजिए, जितना भी ज्यादा से ज्यादा हो सके एकदम आपके वेस्ट के साइड में खुल जाए। जैसे ही सीधा पैर आगे की तरफ खुला, आपने हथेलियां आगे और हिप्स उठा के उल्टी एडी को पीछे ले जाओ। देखो मेरी भाषा समझ लेना, मैं कौन सी भाषा बोल रहा हूं। अगर मेरी भाषा आपको समझ नहीं आ रही है इतनी शुद्ध और इतनी सरल, तो दुनिया में कोई लोग में भाषा समझ नहीं आएगी आपको। मैं आपको बोल भी रहा हूं और दिखा भी रहा हूं, फिर भी आपका कोई बीच में प्रश्न है तो आप मुझे सीधा पूछें, गलत ना करें, ठीक है? सर एक बार पीछे से दिखाना। पीछे मैंने बोला तो एडिया पीछे चले जाएगी हिप के, और क्या बोलूं? जैसे मैं आगे बैठा था अब ये पीछे गई है, मैं क्लियर नहीं दिख रहा वंशज? बताओ मैं क्लियर तो दिख रहा हूं? आप अपने कैमरे को 36 दिशाओं में बदलते रहो और कभी उसको चालू करते रहो, बंद करते रहो, बस आपकी यही होगा। जिसने कैमरे से सबसे अच्छा आज तक का कैमरा जो रहा है वो मेघना का रहा है। मेघना कैमरा एडजस्टमेंट में फर्स्ट है, आज तक उसका कैमरा वहां से हिला नहीं है। उसके सिवा कोई ऐसा बंदा नहीं है, या अलोक जी है, एक ही जगह रहता है और बाकी रोज बदलते हैं और क्लास में भी दो चार बार। तो जैसे ही आप आगे झुकेंगे अब ये हिप्स उठाएंगे, अब यहां से पैर जाएगा, वहां से घुटना जाएगा, आप पेल्विक रीजन टच करेंगे। होगा नहीं टच, इतना ही होगा, घबराना मत, इतना भी काफी है। बन सा जाओ, घुटने में दर्द हो रहा है तो नी पैड यूज करो या अपना मैट यूज करो। अब ये जाएंगे, देखो इसको बोलते हैं वन साइड स्प्लिट। ये मेरी एक साइड ज्यादा जा रही है, राइट साइड, आपको राइट दिखती है, मेरी लेफ्ट है ये एक साइड में। जिसका पेल्विक रीजन टच हो गया उसका पूर्ण हो गया। आप देख लो किस किस का टच होता है, कौन कितना कितना दूर है, खुद देख लीजिए। वंशज रुको, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा कर रहे हो, करते रहो, धीरे धीरे खुलेगी।
तुम्हारा अच्छा हो चुका है, वो डीप में चलेंगे। लेटी आगे कौन लेट सकता है? वेरी गुड वंशज, जो गैप दिख रहा है ना, ये गैप ही फिल करना है बस। हिप ओपनिंग फुल हो गई, अब आप समझ जाना आपका जो गैप है, ये गैप है देखो, ये ऐसे होगा ये फिल, ठीक है। वापस आएंगे, चेंज लेग, देखो बहुत डीप में करा रहा हूं और बहुत सावधानी पूर्वक बता रहा हूं, फिर भी कोई भी टेक्निक कुछ भी समझना है, कॉपी पेन अपने पास रखो और नोट करो, एकदम सिंपल सरल भाषा में फिर रिपीट कर दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। शायद 10 ही आसन हो 1.5 घंटे में, लेकिन 10 बुद्धि में आने चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। मैं 100 करा सकता हूं 1 घंटे में, अगर आपको 10 भी समझ आ जाए तो 100 में से, तो वो मानसिकता नहीं रखनी है। कम करना है, ज्यादा समझना है, ज्यादा करना कम समझना यहां पे नहीं चलता है। यहां पे कर बेशक कम लो लेकिन समझ ज्यादा हो। उसी पोजीशन में आप पूरा पैर फिर सामने रह जाएगा, जितना भी हो सके। अगर नहीं सरकता है ब्लॉक लो, ऐसे सरकाओ, ब्लॉक लो फिर ऐसे सरकाओ। खींचिए पूरा, वेरी गुड। अब दोनों हाथ सामने, अब एडी को पीछे ले जाओ, अब फिर वही गैप आ जाएगा। देखो ये गैप आ गया, मेरा वजन कहाँ है? हाथों पे और पैरों पे। अब इसको ये फिल करना है, देखो ये देखो, बेंडिंग भी है और स्ट्रेचिंग भी है, जितना जिस पे हो सकता है कोशिश करो। राइट लेग जो आपकी बार आपकी लेफ्ट है वो पूरी खींचे एक साइड में, डे बाई डे इंप्रूव होगा, डे बाई डे। जो आराम से लेट सकते हैं वो लेट जाइए, और इसमें डीप में जो होता है समझना, जो मान के चलो ऐसे आराम से लेट जाते हैं जो बच्चे, देखो जैसे मैं आराम से लेट रहा हूं, स्ट्रेचिंग फिर भी आपको लेफ्ट साइड में फील हो रहा होगा, पूरी लेफ्ट लेग में, राइट में कम होगा। अब क्या करना है, ये दो ब्लॉक यहां रखने, ये दो ब्लॉक रख के अब इस पैर को ऐसे रखेंगे जैसे, तो आगे लेट जाना है। अब देखो, अब ये डीप में चला गया, देखो ये गैप दिख रहा है, देखो देखो ये डीप है। अब मेरी फुल लेफ्ट लेग जो आपको लेफ्ट दिख रही है, मेरी राइट है, राइट लेग अब पूरी डीप स्ट्रेच हो गई है। अब मान के चलो आप यहां रुक गए, एक ब्लॉक लगा लो, दो ब्लॉक लगा लो और एक भी मत लगाओ, जैसे आपको उचित लगता है, लेकिन डीप होगा। इसी में फिर दोनों साइड ब्लॉक लगाते हैं, मैं 5 ब्लॉक लगा के आगे मुड़ता हूं। पंजे को एडी को पूरा बैंड करना है कि स्टैंडिंग में रखना है? पंजा इंपोर्टेंट नहीं है यहाँ पे, पंजा जहां भी जा रहा है वहां जाने दो उसको, या पंजे का अभ्यास नहीं हो रहा, या अभ्यास हो रहा है का। ओके सर, एंकल का कोई मैटर नहीं है, एंकल वेरेवर एंकल वांट टू गो लेट देम गो, डोंट ब्रिंग योर अवेयरनेस टुवर्ड्स एंकल, ब्रिंग योर अवेयरनेस टुवर्ड्स योर पेल्विक रीजन एंड हिप जॉइंट्स, डोंट डिस्ट्रैक्ट योर माइंड टू अननेसेसरी बॉडी पार्ट्स लाइक एग्जांपल हैंड्स, नो वेरी लेस। यहां रुके रहो, देखो मैं तो इतना ही करता हूं, अब मैं यहां से ऐसे जाऊंगा, देखो देखो
जैसे पंपिंग होती है, जैसे हम हवा भरते हैं, ये इस प्रकार से। आपके पास 6-7 ब्लॉक हैं लगभग आकाश, आप एक एक बच्चा यूज किया करो और मंगा लो ब्लॉक, और कम है तो कोई बड़ी बात नहीं है। 5-5 ब्लॉक लगाता हूं मैं यहाँ, जैसे हम तीन रखे ना, 5 लगाऊ और आगे बढ़ता हूँ। जब मुझे डीप पता चलता मेरे अपने आप को, तब मुझे थोड़ा फील होता है आज मैंने कुछ अभ्यास किया है। मैंने वीडियो भी बनाई है, यूट्यूब पे भी पढ़ी है, तब आनंद आता है। वो एक आनंद की अनुभूति है। आपको अगर बिना ब्लॉक के भी आनंद आ रहा तो आपका डीप है, ऐसा थोड़ी नहीं, आपके लिए वो भी काफी है, आपके लिए वो भी काफी है। तो जितना हो गहराई में जाना है। ये आती है साइड स्प्लिट की वेरिएशन से, वापस आइए। अब एक ब्लॉक लीजिए, बीच में रखिए, कंटिन्यू, इतना ब्लॉक गैप के साथ, कमर सीधी, दोनों हाथ घुटनों पे। लॉक करो, कौन कौन अपनी कहानियां सीधी कर सकता है, करो करो कहानियां सीधी। कहानी सीधी होंगी तो कंधे ऐसे उठ जाएंगे अपने आप ही, करो कोशिश। वेरी गुड, रिलैक्स, सीधा पैर पीछे, उल्टा पैर आगे, समझना आप, देखना पहले, ठीक है। अब इस पैर को अपनी आर्मपिट से छाती से बाहर ले आओ। जैसे आप बाहर लेके गए तो आपकी राइट थाई टच होगी और ये बाहर जाएगा, ठीक है, और ऊपर की तरफ खींचेंगे, सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए जंप करेंगे। ये इसको बोलते हैं हॉर्स राइडिंग, अश्व संचलन आसन। अब जैसे घोड़ा दौड़ता है, ध्यान रखना अपने छाती को, अपनी ठुड्डी को मत मार लेना इस घुटने में, ये घुटना आगे जाएगा। मेरी आप दो दो तीन तीन राउंड देखना पहले, आप समझना, मैं हर एक राउंड पे ऐसे लचक लेता हूं, ऐसे हर एक राउंड में ऊपर स्ट्रेच करता हूं, हर एक राउंड में मैक्सिमम प्रेस करता हूं। देखो हर एक राउंड में इंप्रूवमेंट आएगा, हर एक राउंड में। जब तक आपका, मेरा उल्टा पैर आ गया, जब तक आपकी सीधी थाई टच ना हो जाए, देखो साइड व्यू देख लो मेरा, देखो मेरी सीधी थाई कैसे टच है। किसी की इतनी होगी, कोई दिक्कत नहीं है, किसी का इतना होगा, किसी का इतना होगा, वो धीरे धीरे जाएगा ऐसे। 10-10 बार करो दोनों साइड में, मैं देखूंगा सबका। घोड़े के जैसे दौड़ो, लेकिन ज्यादा फास्ट मत दौड़ना। वेरी गुड, हॉर्स राइडिंग। देखो शिन बोन 90 डिग्री रहेगी, आपका पैर आगे नहीं आ रहा है, शारदा जी और आगे लेके आओ पैर को। आपका पैर हाथ के साइड में रहेगा, नहीं, घुटना 90 डिग्री का मतलब समझते हो, शिन बोन 90 डिग्री,
90 से 100 डिग्री पे ले जाओ बेशक, लेकिन 80 नहीं रहेगा, नहीं फीट साम बाहर रखो, हथेली अंदर रखो वंशज, फीट बाहर रखो हथेली अंदर, हाँ ये करते रहो, बहुत अच्छा। अब इसी में जैसे लेफ्ट फीट आपकी आउट है, फ्रंट स्प्लिट तो यहां होती है, ये फ्रंट स्प्लिट से पहले की क्रिया है, जो पूरी फ्रंट स्प्लिट नहीं कर पाते हैं वो इस पोजीशन में जाएंगे। देखो देख लो अब मेरा पैर कैसे जा रहा है, देखो ये नहीं तो फ्रंट है नहीं साइड है, ये मीडियम में आती है, जिसको फ्रंट स्प्लिट नहीं होती है पहले ये करेंगे, ऐसे ब्लॉक लगा लो, ऐसे लेटे रहो काफी है, यहीं बैठ जाओ बस, जैसे सुखपूर्वक हो, देखो मैं अब सीधा करता जा रहा हूं एंकल को, देखो दो ब्लॉक लगा लो, चार ब्लॉक लगा लो, और कुछ भी नहीं है बिना ब्लॉक के, अब देखो आराम से खुलता चला जाएगा, हिप जॉइंट्स में जितनी स्टिफनेस जमी पड़ी है ना, जितनी अकड़न है, जितनी टाइट है, खुलती चली जाएगी। मेरा एंकल देखना, मेरा घुटने की अलाइनमेंट देखना, गलत मत कर देना, साइड से दिखाओ ना जी, साइड से दिखाओ ना, साइड से देखिए जी, ये देखो ये अपना अपने हाथों के सहारे से रखो, जितना हाथों को उतारे इतना होता है, काफी है, देखो अरे मैं तो बिगनर हूं, मैं तो इतना करता हूं, काफी है, एल्बो से रेस्ट कर लो, है अब धीरे से सीधा खुल जाएगा, मेघना वापस मत आओ, एक बार 5 मिनट तक कम से रुको, देखो अब ये मेरी नहीं तो साइड स्प्लिट है नहीं फ्रंट स्प्लिट है, अगर मेरे अंदर यहां फ्लेक्सिबिलिटी है मैं दोनों स्प्लिट कर सकता हूं, यहीं की यहीं साइड लेके आ सकता हूं और यहीं की यहीं फ्रंट लेके आ सकता हूं, साइड समझना, एक पैर मेरा पूरा पीछे, एक पैर पूरा साइड, और देख लीजिए पूरा साइड, यहां तो बहुत इजी है, अब यहां से मैं आगे लेके आ सकता हूं और नहीं तो मैं वापस आऊंगा वहीं पे, ये रुको। और दूसरी एडवांस, इसी में एडवांस बता देता हूं, फिर देख लो फ्रंट व्यू, जैसे आपने यहां रोका, ये इतना कर लेते हो, रेस्ट कर रहे हो, इतने पे आराम कर रहे हो, अब यहां क्या करना है, ये बाहर की तरफ खोलना है, भीतर बाहर, मेरी मसल्स हर बार में खुलती है, हर बार में स्ट्रेच होती है, जितनी बार मैं बाहर अंदर लेके आता हूं, देखो देखो ये राइट थाई टच होनी चाहिए, जिस जो थाई आपके नीचे, अब लेके जाओ एक ही पैर को अच्छी तरह खोलो, जब एक पैर अच्छी तरह 5-7 मिनट हो जाए फिर दूसरे को खोलो, ध्यान रखना ये सारी चीजें साधना की चीजें हैं, जितनी आप अभ्यास करोगे एकांतवास में किसी भी अध्यापक से सीखने के बाद, किसी भी गुरु से सीखने के बाद, तब ये काम आएगा, मुझसे सीखने के बाद सोना खाना पहनना ईटिंग डोलना फिरना अगर रहा तो कुछ काम का नहीं है, मुझसे सीखो और अप्लाई करो अपने शरीर को, मुझसे सीखो और करो फिर प्रश्न लेके आओ मेरे पास, ये एक अच्छे विद्यार्थी के लक्षण है, मुझसे आज सीख गए और इसी टाइम फिर दोबारा मेरे साथ अभ्यास किया, उसके बाद पता ही नहीं है क्या किया 24 घंटे, फिर आज किया अब सीधा मुझे मंडे को ही मिलेंगे शाम को, ऐसे नहीं, खोल दो पूरा वंशज, जाओ देखो पूरा खोल दो, ऐसे लेट जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जितना होता है हो तो करो, ना हो तो रुको, ना हो तो वापस नहीं जाना, ना हो तो रुको, जहां हो वहीं रुको, इतना ही।
इतना साइड में नहीं लेनी लेग, मेघना और आगे लगो, इतना साइड नहीं, आपने तो ज्यादा ही साइड व्यू पर रखा है। फिक्स बता दो इसका साइज क्या होगा। आपने अपना मैट देखा है, जो मैट का कॉर्नर होगा उस कॉर्नर पे लेग जाएगी आपकी। अब आप खुद देख लो आपका मैट कहाँ है, कॉर्नर कहाँ है, आप कहाँ हो। मुझे लगभग दिख रहा है आकाश का मैट का कॉर्नर, बस उस कॉर्नर पे जाना है। वापस आएंगे, अब दूसरी साइड हम क्विक अटेम्प्ट करेंगे। छर चेंज, जाओ पूरा धीरे 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 आराम से। शारदा जी मैट है आपके पास, मैट का लेफ्ट कॉर्नर है आपके पास, फ्रंट फ्रंट लेफ्ट कॉर्नर, अगर आपकी लेफ्ट लेग आगे है तो उस कॉर्नर पे मैट को रख दो, अपनी फीट को रखो और वहां से सीधी लेके जाओ। हाँ करो, करते रहो, बहुत अच्छा। अब वहीं बाहर खोलो, अंदर खोलो, बाहर करो, अंदर करो। करते हो पेट में दर्द हो रहा है, हैं? कुछ दर्द अच्छे होते हैं, एंजॉय करो दर्द में। आज मैं चैलेंज करूंगा आपसे, कौन स्प्लिट करेगा, कौन स्प्लिट में फर्स्ट होगा। खोल दीजिए सीधा, समझो एक एक टेक्निक को ध्यान से। Very good. Come back. Leg change. Dono block lijiye. पुश करो डाउन, कमर सीधी, अब बाहर मत खोलना, सीधा ही रखना, बहुत धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे। देखो अब मेरा मेरा पैर देखो कहाँ है, या तो आप मुझे देखते नहीं हो, या आप मुझे इग्नोर करते हो, या आपकी बुद्धि उसी प्रकार से चलती है, कुछ ना कुछ तो कारण होगा। आप ऐसे करोगे, देखना आप इसको ऐसे करोगे, ऐसे होगा, ऐसे फ्रंट स्प्लिट होती है, ऐसे आगे बेंड हो सकते हो आप, ऐसे भी नहीं होगे, ऐसे होंगे। बुद्धि को यहीं रखो पूरी सजगता के साथ, खोल दीजिए पूरा। जिन पे नहीं होता है देखो ब्लॉक, यहां रुक जाइए, एक ब्लॉक दो ब्लॉक चार ब्लॉक पे बैठिए। आज दो ब्लॉक है, अगले महीने दो महीने बाद एक ही ब्लॉक रह जाएगा,
अगले छह महीने के बाद जीरो ब्लॉक आप डायरेक्ट फ्लैट बैठेंगे। बैठो जिस पे जितना बैठा जाता है। आकाश सीधा कैसे नहीं है भाई आपका ये पैर फ्रंट स्प्लिट सीधी कैसे नहीं है। हाँ अब सीधी होगी ना। हाँ ऐसे बनाओ देखो मैं दिखाता हूँ। मैंने मैट लिया है यहाँ पे। एडजस्टमेंट वन ब्लॉक टू ब्लॉक रखो ब्लॉक्स पे बैठो और ब्लॉक भी नहीं है तो आखिरी में व्हील पे बैठ जाओ। मेरे पास इतने स्ट्रिप स्ट्रिप लोग हैं व्हील भी यूज करते हैं। मैं इस फ्रंट स्प्लिट में पांच से छह ब्लॉक लगाता हूं। आप एक लगाइए दो लगाइए एक भी मत लगाइए लेकिन बैठिए तो सही एडजस्ट तो करो। रुकिए देखो ये एडजस्टमेंट होता है ये एडजस्टमेंट देना होता है इसमें ये जैसे इसमें एडजस्टमेंट देंगे आप ज्यादा देर रुकेंगे। एंकल ऐसे खींचेंगे देखो एकदम सीधा सुखपूर्वक आरामदायक। इसमें पीछे पैर कौन पकड़ लेता है एडी को कौन पकड़ सकता है बैक बेंडिंग में। हाथ ऊपर करो जो जो ये आसन कर सकता है। हाथ बैक बेंडिंग कौन करता है इसमें दो बच्चे करते हैं मेघना और राजू। आगे मुड़ जाइए जिसपे जितना बेंड हुआ है आगे मुड़ जाओ बस काफी है। बहुत अच्छा रुके रहिए लेकिन ध्यान रखें जो आपकी मैक्सिमम स्टेज हो वहां पे रुकना है। मैक्सिमम स्टेज पे फॉरवर्ड बेंड करके होल्ड रख दो पूरी सजगता के साथ पूरे ध्यान के साथ। Slowly come up. Block लगाइए और downward facing dog जिसको पर्वत आसन बोलते हैं लगाइए सर अपने मैट को। एड़ियां और पाम हथेलियों के बीच में सेम फासला रहेगा ज्यादा मत खोलो मेघना। हथेलियों जितने हाथ है इतने ही पैर खुलेंगे। मेघना आपने पैर ज्यादा नहीं खोल रखे हैं मुझे तो लग रहा है लेकिन साइड व्यू में मैं समझ नहीं पा रहा हूं। टच हेड डाउन अब यहां से हम दूसरी वेरिएशन में फ्रंट स्प्लिट करेंगे। सीधा पैर उठाइए अधिक से अधिक उठाइए सीधा पैर उठाइए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। देखो अगर मैं आपको दिख रहा हूं तो उठाओ
और उठाइए, रेज एज पॉसिबल एज, पैर उठाएंगे सर नीचे जाएगा, एड़ी भी उठाओ और स्ट्रेच करो, नीचे वाले पैर की एड़ी भी उठाओ, वेरी गुड, वन साइड बहुत कम उठ रहा है, बहुत कम घुटना बढ़ रहा है, डायरेक्ट फ्रंट स्प्लिट करेंगे, बीच में कहीं नहीं रुकना है, बहुत अच्छा आलोक जी, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब बहुत देर हो गई है, शरीर लगभग खुल चुका है, अब आप रुक सकते हैं, आगे नहीं झुकना, आकाश ध्यान रखें, आगे सबसे आखिरी में झुके, तीन वेरिएशंस होती हैं, आप राइट लेफ्ट बैकवर्ड फॉरवर्ड और सीधे हम हमेशा रहते हैं, जो चौथी वेरिएशन मान सकते हैं। अब इसी में देखो, फिर कह रहा हूं बार बार, शारदा जी किसने कहा ऐसे बैठने के लिए, ये बैठना क्या है, ये बैठना क्या है, या तो आप समझे नहीं है मैंने ब्लॉक कहां लगाने के लिए बोला था। अरे मैं तो फुल बिगनर हूं, मैं सबसे हल्का करता हूं, देखो ऐसे क्यों नहीं करते, देखो अरे ऐसे बैठो ना, क्या दिक्कत है, ऐसे बैठो, दो ब्लॉक लगाओ, किसी को और ब्लॉक की आवश्यकता और भेज दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता दो से ज्यादा किसी को आवश्यकता हो। क्यों नहीं बैठते हो ऐसे, क्यों नहीं खोलते दोनों पैर सीधे, घुटने सीधे, अब भी तो बैठ गए शारदा जी, जब से क्या कर रहे थे, कौन सी पोजीशन थी वो, नई क्रिएटिविटी कर लेते हो कुछ भी, अपने आप नया आसन बना देते हो, बैठो आराम से, आपको लग रहा है दो ब्लॉक ज्यादा है, एक ब्लॉक निकाल के बाहर फेंक दो, आपको लग रहा है बिना ब्लॉक के बैठो, राइट लेफ्ट बेंड करो, ये जाइए पूरा, वेरी गुड, बेंड करो जितना हो सके, प्रिया कैसे बैठ गई, अरे मेरे सामने आप हथियार बांध देते हो, हमें क्या करते होंगे, आप पैरों में दर्द हो रहा है सर, पैरों में तो दर्द होगा ही, जब पैरों का अभ्यास चल रहा है तो, और क्या कंधों में दर्द होगा, नो पेन नो गेन, अगर दर्द नहीं है तो समझ लो कि कहीं किसी भी चीज की गेन नहीं कर सकते, कुछ नहीं मिल सकता, जहां दर्द है वहीं मिलता है, बिना दर्द के तो कुछ भी नहीं है, बिना दर्द के दिए जा बेड पे सो जा आराम से, वहां क्या मिलेगा,
करना पड़ेगा अभ्यास। शुक्रवार मेरे पास नहीं, एक बार भी नहीं बैठती। अरे जहां दर्द नहीं हो बैठ जाओ, दो ब्लॉक लगा ले, तीन ब्लॉक लगा ले, धैर्य तो रख। दोनों हाथ उठाएंगे उसके बाद थोड़ा पीछे बैंड होंगे, जाइए। कंधों पे फोकस नहीं देना, लोअर बैक पे फोकस देना, बेंड फॉरवर्ड। बहुत अच्छा, आपने ब्लॉक क्यों लगा रखा है आकाश नीचे, होता नहीं है बिना ब्लॉक के। ब्लॉक नहीं है सर, क्या है, लेफ्ट लेग में थोड़ा प्रॉब्लम है आकाश, लेफ्ट स्प्लिट में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। अच्छा, राइट स्टिक ठीक है, लेफ्ट स्टिक नहीं है। मुझे तो लगता है आप आराम से कर लेते हो। रुकिए, फॉरवर्ड बेंड में रुकिए, वेरी गुड, कम ऑन। अब मैं आपको खड़े होने की स्प्लिट कराऊंगा आज। आशा करता हूं आप ध्यान पूर्वक और सुख पूर्वक समझेंगे और देखेंगे। मैं पूरा देख रहा हूं ना आपको एकदम सही, मेरे से लैपटॉप कम से कम 10 से 15 फीट दूर है, क्या करें, इसकी अलाइनमेंट इतनी मिलती है। खड़े हो जाइए सभी। नहीं 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 ऐसा नहीं है, बैठ के देख रहे हो भीगी बिल्ली के जैसे, सूखी बिल्ली हो जाओ बिल्कुल। पैर खोलिए, अब हम बैलेंस के कुछ आसन करेंगे, उससे पहले थोड़ा वार्म अप करेंगे खड़े होने वाले का। दोनों हाथ उठाइए, ध्यान रखें पंजे, ये आपके पंजे हैं, ये ऐसे ना खुले, ये सीधे ही रहे, एंकल ऐसे मत खोलना, ठीक है, नहीं तो घुटने खुल जाएंगे, ऐसे इनको सीधा ही रखना। दोनों हाथ उठाइए, अपनी उल्टी तरफ बैठ जाइए। आलोक जी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे हाथ रख लो, यहां से थोड़ा सहारा मिल जाएगा। जो भी बिगिनर है, जो भी नहीं उठ सकते हैं, जिनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, स्टिफनेस ज्यादा है, फिर उठिए, फिर बैठिए। इसको बोलते हैं स्प्लिट स्क्वैट, स्प्लिट स्क्वैट 10-10 बार करेंगे। जिनको सहारा लेना है वो ऐसे करेंगे, घुटनों में ताकत आएगी, थाइज स्ट्रॉन्ग होंगी। करो, ध्यान रखेंगे पूरा खड़ा होना और पूरा बैठना। आकाश आपको भी हाथ लगा के उठाने की जरूरत पड़ रही है, बुढ़ापा आ गया, 20 साल की उम्र है, या आप कमजोर हो? आप तो कमजोर भी नहीं हो, बूढ़े भी नहीं हो।
ये वेरी गुड शारदा जी पैर और खुलेंगे पैर एक ही जगह फिक्स रहेंगे पंजे को हर बार बदलना नहीं है अच्छा उठने में दिक्कत आ रही है मुझे लग रहा है अब उठना नहीं है अब उठो मत एक जगह बैठ जाओ आप एक साइड में किसी भी साइड में बैठ गए मान के चलो मैं राइट साइड में बैठा हूं मैं उठूंगा नहीं अब मैं ऐसे जाऊंगा वंशज हाथ ऐसे रखो खराब मत कर लेना कहीं से शरीर को ऐसे जाओ थोड़ा सा सहारा हाथों का ले लो 20% 80% पैर का अब मैं 100% पैर का ले रहा हूं देख लो क्या फ्लो में कुछ भी नहीं होता मुझे कहीं प्रॉब्लम नहीं आती पता है क्यों क्योंकि मैं करता रहता हूं करो बहुत अच्छा जो कमजोर हैं जैसे प्रिया हाथों का सहारा ले लो और मेघना हाथों का सहारा ले लो ऐसे हाथों का थोड़ा कमजोर आदमी नहीं कर पाता ये ध्यान रखना इसमें स्ट्रेंथ लगती है पावर की जरूरत नहीं है सॉरी पावर तो लगेगी इसमें पावर और स्ट्रेंथ एक ही बात है जिनकी बॉडी बहुत ही पतली होती है उनके अंदर स्ट्रेंथ कम होती है तो थोड़ा हाथों का सहारा ले लो देखो ये और बिल्कुल एकदम ताकत है तो देखो देखो कितने फ्लो में जाता हूं देखो कुछ भी नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है अब आप मुझे लगता है साइड में भी थक गए होंगे अब आप बीच में आ जाओ करो अप एंड डाउन 50 बार अप डाउन मैंने 10 बार कर लिया है नहीं हाथ उठाओ हाथ उठाओ वंशज स्पाइन स्पाइन सीधी रहेगी आगे नहीं झुकना हाथ उठाओ राजू शारदा जी पूरे बैठो जितना ज्यादा बैठोगे इतना ही फायदा होगा वहीं पंपिंग दो जैसे हवा भरते हैं ना साइकिल से उसी प्रकार से अच्छा रुको वहीं रुको वहीं रुको एक ही जगह रुको नहीं 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 आकाश कैसे वापस आ गए ऐसे किसने कहा रुको आगे झुकने के लिए रुको वहीं मैं रुक के दिखाऊं आप क्या सोच रहे हो सर रुकते नहीं हमारे पास आ गए बैठ के नहीं सर आपको ठीक करने के लिए आए आगे मेरा करना इम्पोर्टेंट नहीं है आपको कराना इम्पोर्टेंट है देखो जाम हो गया यहीं बैठ रहूंगा किसी पोजिशन में बैठा लो अगर कोई कंपटीशन करना है तो बेशक कर लो ऐसे ही बैठा रहूंगा बजट सिर्फ हिप जॉइंट्स पे रहेगा नहीं होता है ऐसे रुक लो थोड़ी देर ऐसे रुक लो अब यही किया है हिप्स भी नहीं उठाने हैं ज्यादा और सर लगाइए नीचे लगाओ सर लगाओ लगाओ हिप्स हिप्स 50 फुट ऊपर उठा दिए सर फिर भी नहीं लग रहा बताओ मैं कह रहा हूं हिप्स नहीं उठाने अगर हिप्स नहीं उठाओगे तो आपसे तो बिल्कुल नहीं लगेगा ठीक है ऊपर आओ सीधे बैठ के हिप्स पे नीचे बैठ जाओ रिलैक्स कहां स्ट्रेचिंग होती है प्रिया एंकल में लिटल्ला कहां कहां स्ट्रेचिंग होती है प्रिया हिप जॉइंट्स में ऐसा तो नहीं एंकल में खिंचाव हो रहा हो कान में खिंचाव हो रहा हो कंधों में खिंचाव हो रहा हो जो करा रहा हूं वहीं हो रहा है ना ऐसा तो नहीं उंगलियां खिंच रही हो अच्छी तरह ऐसे
ठीक है। अब लास्ट अभ्यास है जो खड़े होने का आसन, तीन वेरिएशन में कराऊंगा उस आसन को, जो सबसे कमजोर, मीडियम वाले हैं और एडवांस हैं, उस आसन में बैलेंस आ जाएगा आखिरी में, जिसको त्रिविक्रमासन बोलते हैं हम अपनी भाषा में, और फ्लैग पोज बोलते हैं इंग्लिश में। अब मुझे सभी अपने आप पहले करके दिखाओ आप कितना करते हो, खड़े होकर स्प्लिट करते हैं जो, करो मैं देखूंगा फिर आपको कराऊंगा और समझाऊंगा। करो खड़े होके स्प्लिट, आज आपको इस आसन के बारे में बहुत रोचक जानकारी दूंगा। गिर गया राजदीप, देखो इतनी जल्दी गिर गया। नहीं, खड़े होके स्प्लिट करना है, एक लेग को ऊपर उठा के संजय जी, बहुत अच्छा किया। क्या बोल रहे सर? करो स्प्लिट खड़े होके, नहीं फ्रंट स्प्लिट नहीं लेनी, साइड लेनी है। हाथ का सहारा लगाओगे तो स्प्लिट होगी, बिना हाथ के करोगे तो बैलेंस भी होगा, दो चीज होंगी। मेघना की स्टेबिलिटी अच्छी है, 5 से 7 फीट के खंबे पे खड़े होके करता हूं मैं इस आसन को, जहां खंबे पे मेरा पैर भी 50% आता है, अंदाजा लगा लीजिए आप, जितनी आपकी हाइट इतना बड़ा खंबा और खंबे का साइज इतना, ये मेरी उंगलियां जितनी दिख रही है, यहां पता चलती है बैलेंस की। ये बैलेंस होता है, और बैलेंस खाली फिजिकली नहीं होता, मेंटली भी बैलेंस होता है। स्टेबिलिटी, आप यहां 100% तो आपको जगह मिल रही है लगाने की, और कोई भय नहीं, जब आप खंबे पे करोगे तो क्या होगा, मेरे पास शायद फोटो पड़े होंगे, मैं देखता हूं। आप मेरी फेसबुक पे टाइमलाइन पे जाना, वहां मिलेंगे आपको, बहुत रिसेंट में 1-2 साल पहले का ही, वहां देखना उस फोटो को, वो है बैलेंस। अब मैं आपको इसके तरीके बताऊंगा करने के, तीन तरीके से स्प्लिट होती है, पीछे की, आगे की और साइड की। पीछे की स्प्लिट तो ये है, ये करते हैं, ये खींचते हैं, जिसमें दोनों हाथों से भी लेते हैं। सामने की स्प्लिट ये होती है, ये पूरा सामने का है, इसमें साइड की स्प्लिट ये होती है। समझ गए? समझ लेना इस बात को। स्टैंडिंग स्प्लिट बेसिकली इज 3 टाइप्स, अगेन आई एम रिपीटिंग, बैक, डांसर पोज बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, हिंदी में जो बोलते हैं वो बता देना जिसको पता हो, और फ्रंट स्प्लिट और साइड स्प्लिट। फ्रंट स्प्लिट हैमस्ट्रिंग के लिए अच्छा है, साइड स्प्लिट हिप जॉइंट्स ओपन के लिए अच्छा है, बैक स्प्लिट आपकी बैक बेंडिंग के लिए अच्छा है। बैक बेंडिंग 2 तरीके से होता है, जो मैंने आपसे कराया था उसमें शोल्डर का मूवमेंट नहीं था, शोल्डर स्ट्रेचिंग नहीं थी और बैक भी कम थी। अब मैं आपको वो दिखाऊंगा जिसमें शोल्डर और बैक, ये पकड़ा है ना, ये खींचते चले गए, जितना खींचते हुए जाओगे एकदम सीधा हो जाएगा, आप ऐसे चले जाओगे आगे और ये बेंडिंग होगा।
मैं करा जा रहा हूँ, कर कम रहा हूँ क्योंकि दो गिलास जूस मेरे पेट में है। आपसे पहले मैं 1.5-2 घंटे रनिंग जॉगिंग करके आया हूँ, तुरंत 8 बजे पहुंचा हूँ, 8:05 पहले। और फिर टेक्निकल इश्यू आ गया था, इस कारण से देर में हुआ, पहुंचता हूँ 5 मिनट पहले गया था, तो इस कारण मैं ज्यादा डीप में नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, दो गिलास जूस पिया मैंने। नेक्स्ट, अब होती है साइड की स्प्लिट। सबसे सस्ता, सबसे हल्का, सबसे दिखना, ध्यान रखना लेकिन घुटना ना बोले, ये मत करना, इतना कर लेना। देखो देखो देखो, कोई भी फर्स्ट वेरिएशन है सिंपल, सेकंड में थोड़ा सा लेना है, थर्ड जो लास्ट है उसमें हैंडी चेंज कर देना है। देखो कितनी देर रुका लो मुझे यहां, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। और देखो यहां ले जाता हूं और पीछे जाऊंगा, मुझे फ्रंट व्यू देखना है अब सभी का। मेघना ने साइड व्यू दिखाया था, अब मेरा फ्रंट व्यू देखना, मेरी लेग यहां आएगी। और कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, पेट भरा हुआ है, लेकिन अभ्यास साधना साथ रखी है, जब आप साधना सत जाती है ना तो इतनी ज्यादा मुश्किलें नहीं होती। फिर देखो दोबारा, चलो अब लेग चेंज करता हूं। आप ये कहोगे सर राइट लेग का ज्यादा खड़े हो जाते हो, अब हम आपको लेफ्ट पे खड़े होकर दिखाएंगे और बराबर दिखाएंगे दोनों। अगर 5% भी मुझे फर्क लगता है ना, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? हाँ, अगर मुझे 5% भी राइट लेफ्ट में फर्क पड़ता है ना, उस 5% को ठीक करता हूं सबसे पहले। अब मैं आपको उल्टे पैर पर खड़े होकर दिखाऊंगा, वही वेरिएशन में जाऊंगा पहले। देखो सिंपल, देखो पूरी एकदम स्ट्रेट है, देखो। अब ये सेकंड वेरिएशन हो गई, सेकंड में ये होता है जितना ज्यादा खींच सकते हो, लेकिन थर्ड में हाथ ही बदल जाएगा। देखो ये देखो, यहां रुको फिर खींचो, देखो मेरा खींचना, देखो क्या हो रहा है, यही तो डीप है, यहां रुकना डीप नहीं है, यहां पर खिंचाव हो रहा है। देखो यहां रुको फिर खींचा, देखो देखो यहां किसी मोमेंट नहीं देखी मैंने, यही तो है, जैसे शोल्डर स्ट्रेच करते हैं, यहां थोड़ी है कुछ, यहां है ये, यहां करते रहो, यहां कुछ नहीं है। जहां भी आप डीप में पहुंचो वहां मोमेंट दो, वहां स्टेबिलिटी दो, वहां अवेयरनेस दो और वहां ध्यान दो। अच्छे अभ्यासी ही किसी को अच्छा अभ्यास करा सकते हो, अच्छे वक्ता ही एक किसी अच्छा वक्ता बना सकता है, अच्छा योग अध्यापक ही किसी को अच्छा योग अध्यापक बना सकता है, अच्छे माता पिता ही अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दे सकते हैं। आपकी अच्छी साधना ही आपको अच्छे मार्ग पर लेके जा सकती है, आपके अच्छे कर्म ही आपको अच्छी जगह लेके जा सकते हैं, बाकी तो जैसे कर्म करोगे फल ऐसा ही मिलेगा। अब मैं सभी का फ्रंट व्यू देखूंगा, अब मैं बैठूंगा और आप करोगे। सर इसमें तो पैर की हाइट का फर्क होगा तो पैर पकड़ने नहीं, प्रश्न बाद में पूछना है, अभी नहीं, अभी करना है, अभी करो, गलत सलत कैसा ही हो करो, जो मैंने बोला वो करो बस। अभी आप बीमार हो जाओ ठीक, मैं बाद में करूंगा आपको, घबराइए मत, बीमार तो हो एक बार। हाँ अब की बार देखो, मेघना ने सेम रिपीट किया है मुझे, राजू ऐसे काम थोड़ी चलेगा जैसे आप कर रहे हो, आपसे अच्छा तो साइड में आकाश कर रहा है।
अरे दीवार उस दिन किए थे, मतलब इधर लग गया है पीछे, तो अभी करने पे बहुत दर्द देता है इधर। मत करो फिर, मत करो, पहले उसको ठीक होने दो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करो। वंशज करो, दोनों पैरों से करो। वो क्या नाम है, अगेन वो मेघना, दूसरे पैर से भी करो। Very good. शारदा जी, जितना जिसका सहारा लोगे इतना ही डिस्ट्रैक्ट होगे, इतना ही कम होगा। अच्छा, मैंने पहली वेरिएशन कौन सी बताई थी वो करके दिखाना, क्या बैलेंस योगा सिखाऊंगा आपको जब एक सिंपल आसन ही नहीं आता। तो मैंने पहली वेरिएशन बताई थी इस आसन में, बताओ मुझे शारदा जी, करके दिखाओ। मैंने तीन वेरिएशन में आसन कराया था, मुझे तीनों वेरिएशन आप करके दिखाओगे। पहली से स्टार्ट करो शारदा जी, और कैमरा आप पे फोकस कर दिया है मैंने, करो। करो, हाँ ये तो स्प्लिट की वेरिएशन बताई थी, लेकिन साइड स्प्लिट पे मैंने तीन वेरिएशनों में बताया था साइड स्प्लिट, ये तो बैक है, मैंने साइड स्प्लिट की तीन वेरिएशनों में पहुंचना बताया था, कैसे बताओ। पहली, ये सामने खुल रही है, साइड में खोलो ना, फेस मेरी तरफ करो। हाँ अब खोलो, हाँ खोलो, पता चल गया आपको अपनी साधना शारदा जी। अपने स्टेज, अपना स्टैंडर्ड पता चल गया, बस वो पता होना जरूरी है। जब तक आप किसी चीज का अभ्यास नहीं करते हो तब तक आपको अपने अंदर की कमियां पता नहीं चलती। जब तक हम पुस्तक बुक नहीं पढ़ते हैं ना तब तक पता नहीं चलता। जब हम अभ्यास करते हैं तब पता चलता है। अब आपने अभ्यास किया, पता चला। देखो थोड़ा भी बैलेंस नहीं हो पा रहा है, ट्री पोज करके दिखाओ मुझे शारदा जी। ट्री पोज, एक पैर पे खड़े होने वाला, इसका अभ्यास करो, बस इसी का अभ्यास करो अच्छी तरह। पहले खड़े होना तो सीखो, आप पैर उठाते ही गिर रहे हो क्योंकि बैलेंस नहीं है आपका बिल्कुल भी। पैर उठ रहा है तुरंत आप झटके मार रहे हो, तुरंत शेक हो रही है बॉडी।
ठीक है, अभी 10 मिनट बची है ना, चेक करो टाइमिंग। ठीक है, फिर 10 मिनट बाद मिलते हैं लेक्चर। बाय बाय।